सर दिल्ली में चुनाव आने वाले हैं तो बीजेपी और आम आदमी जो है सीधे तौर पर टक्कर देखी जा रही है, क्योंकि कांग्रेस सबकी बड़ी पार्टी होती थी पर अभी वो बिल्कुल भी यहाँ दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। तो क्या आपको दोनों की स्थिति में क्या लगता है? वैसे तो हम तुलना नहीं कर सकते, बीजेपी एक बहुत बड़ी पार्टी है आम आदमी पार्टी, पर दिल्ली में अगर देखते तो दोनों की स्थिति क्या है? देखिए दिल्ली की स्थिति में अगर आज के नज़र से देखा जाए तो बीजेपी काफ़ी मजबूत स्थिति में है। हाँ, ये नहीं कहा जा सकता कि आम आदमी कमज़ोर है, पर आम आदमी के मुकाबले में बीजेपी काफ़ी मजबूत स्थिति में है। बात करें मुख्यमंत्री, तो साफ तौर पर क्या मनोज तिवारी दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगे? एक्चुअली ये पार्टी का डिसीजन होगा, पर ही इज़ राइट पर्सन फॉर सीएम। देशभर में सीए और एनआरसी का विरोध चल रहा है, एनआरसी पर जब अभी कोई चर्चा नहीं हुई है, सीए का विरोध चल रहा है शाहीन बाग में और जेएनयू जामिया जहाँ, ये जो विपक्ष है ये क्या उस मुद्दे पर भड़काने की कोशिश कर रहा है जिसमें कोई दम नहीं है, जिससे किसी को भी कोई नुकसान नहीं है? दरअसल विपक्ष ये सिर्फ लोगों को भ्रमित कर रहा है, लोगों को भड़का रहा है और देश में दंगे फैलाने की कोशिश कर रहा है। भाड़े पे 500-500 रुपये में लाए हुए लोगों को जमा करके वीडियो निकाल निकाल के वो डाल रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। एनआरसी सीए एकदम सिंपल रूल्स, हम कभी भी गूगल में भी जाके देख सकते हैं, कोई भी आदमी उसको चेक कर सकते हैं। आपको पता ही होगा वहाँ पर प्रिया शर्मा डीएसपी है, उन्होंने उन लोगों पर अत्याचार किए हैं, उन लोगों पर लाठीचार्ज किए हैं जो तिरंगा फहरा रहे हैं, भारत माँ की जय के नारे लगा रहे हैं, जो सीए का समर्थन कर रहे हैं। तो क्या कांग्रेस अपने प्रशासन को इस हद तक गिरने का न्योता दे रही है? देखिए कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है कि अब वो बीजेपी को टक्कर देने के लिए पाकिस्तान से उन्होंने समर्थन लिया होगा, आपने कुछ 2-3 दिन पहले मणिशंकर जी को देखा होगा, तो अब उनके बारे में कुछ कहना मूर्खता के जैसी बात लग रही मुझे। वो लाठीचार्ज में वो बम ब्लास्ट भी कर सकते, कुछ भी कर सकते।